बच्चों आज हम पढ़ेंगे एएसटीसी चार्ट। इस एएसटीसी चार्ट के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि जैसे जैसे कोणों में बदलाव आता है तो त्रिकोणमितीय अनुपात भी किस तरीके से परिवर्तित हो जाते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले लेके चलेंगे प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में हम पढ़ेंगे ऑल ऑल के बारे में। इसमें आपके पास दो कोण होंगे प्रथम चतुर्थांश में, 90 डिग्री माइनस थीटा और दूसरा होगा 360 डिग्री प्लस थीटा। इसमें हमेशा याद रखना है ऑल का मतलब होता है कि सारे के सारे, यानी जितने भी आप इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात लेके चल रहे हैं, तीन त्रिकोणमितीय अनुपात जो लेके चल रहे हैं, उन सबके जो निशान होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, प्लस होंगे। जैसे साइन प्लस, कॉस प्लस और टेन प्लस। अब बेटा इसमें हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर हम कोण केवल 90 डिग्री माइनस थीटा ही और 360 डिग्री प्लस थीटा ही क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये है एक्स अक्ष। अब एक्स अक्ष में ये वाला जो प्रथम चतुर्थांश में हम लेके चल रहे हैं मूल बिंदु से इधर वाला, ये इनमें जो कोण बनना है वो आपका बनना है 0 डिग्री। उसके बाद हम ऊपर चलते हैं तो यहाँ कोण आ जाता है 90 डिग्री। इसके बाद नीचे इधर कोण आ जाता है 180 डिग्री और सबसे नीचे कोण आ जाता है 270 डिग्री। फिर घूम के 0 डिग्री के पास में एक आ जाता है कोण 360 डिग्री। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जब हम प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर कोण आ रहे हैं आपके 0 डिग्री, 360 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री का कोई वैल्यू ही नहीं होती 0 डिग्री की, 0 डिग्री इसमें लेके ही नहीं चलना है, हमें स्टार्ट जो करना है वो 90 डिग्री से करना है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो ये दोनों के बीच प्रथम चतुर्थांश में जो एंगल बनना है वो पूरा 90 डिग्री नहीं है और ना ही 90 डिग्री से ज़्यादा है। इसमें जो कोण बन के चल रहा है वो 90 डिग्री से कम बन के चल रहा है, इसलिए हम लेके चलते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर इसके बाद बेटा पूरा चक्कर जब 270 से यहाँ पूरा आ जाता है तो उसके बाद यहाँ खत्म हो जाता है 360। हम लेके चल रहे हैं प्रथम चतुर्थांश में तो यानी कोण आगे बढ़ा, 360 डिग्री से आगे बढ़ रहा है, तो इसलिए यहाँ दूसरा कोण हम लेके चलेंगे 360 डिग्री प्लस थीटा। इसमें एक बात आपको याद रखनी है कि जब भी 90 डिग्री आएगा या 270 डिग्री आएगा तो वहां पर जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। कैसे? जैसे साइन कॉस में और कॉस साइन में, इसलिए तीर का निशान दोनों तरफ लगाया गया है। टेन कॉट में और कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। अब हम स्टार्ट करते हैं साइन से ही, तो सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अभी मैंने आपको बताया कि 90 डिग्री पर और 270 डिग्री पर आपका जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो बदल जाता है। अब 90 डिग्री के साथ जो त्रिकोणमितीय अनुपात आ रहा है वो आ रहा है साइन, और साइन किसमें परिवर्तित हो जाता है, कॉस। यहाँ एंगल है थीटा तो थीटा। अब आपको बताया था कि चाहे साइन आए, चाहे कॉस आए, चाहे टेन आए, सबके मान प्लस होंगे, तो यहाँ साइन है तो इसका मतलब है कि ये मान जो होगा वो आपका प्लस होगा। ऐसे ही बेटा कॉस 90 माइनस थीटा की तरफ जाएंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा है तो 90 डिग्री की वजह से ये त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा। यहाँ कॉस थीटा है तो थीटा आ जाएगा। अब आपको पहले ही बताया गया था कि इसमें सारे के सारे प्लस होते हैं तो कॉस वाला भी क्या होता है आपका प्लस, तो यहाँ भी निशान किसका आ जाएगा, प्लस का। ठीक उसी तरीके से हम चलेंगे नीचे, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री आने की वजह से ये त्रिकोणमितीय अनुपात टेन जो है वो कॉट में बदल जाता है, तो कॉट, यहाँ कॉट था थीटा, यहाँ कॉट थीटा आ गया। अब बताया था कि टेन भी प्लस में होता है तो इसका मतलब ये जो मान आएगा टेन वाला वो भी प्लस में ही आएगा। ठीक इसी प्रकार से हम लेके चलेंगे 360 डिग्री प्लस थीटा में, तो साइन 360 डिग्री प्लस थीटा। 360 डिग्री पे आपके त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई भी परिवर्तन नहीं होता जिसके कारण साइन साइन ही रहेगा, यहाँ थीटा है तो थीटा। अब आपको बताया था कि साइन प्लस होगा तो ये भी मान प्लस आएगा। उसके बाद कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री है तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात परिवर्तित नहीं होगा, कॉस ऐसे का ऐसे ही रहेगा, यहाँ थीटा है तो ये थीटा, और चूंकि कॉस प्लस का होता है इसमें भी तो यहाँ पर भी प्लस निशान। फिर ऐसे ही टेन 360 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री होने के कारण टेन भी परिवर्तित नहीं होगा, तो टेन का टेन, थीटा का थीटा, चूंकि यहाँ सारे के सारे साइन कॉस टेन प्लस ही होते हैं तो यहाँ भी प्लस का निशान। अब हम चलते हैं द्वितीय चतुर्थांश की तरफ। द्वितीय चतुर्थांश में हम दो एंगल लेके चलेंगे, दो कोण लेके चलेंगे। देखो 90 डिग्री और 180 डिग्री इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो यानी कि 90 डिग्री से तो ज़्यादा जा रहा है, तो हम एक एंगल लेके चलेंगे 90 डिग्री प्लस थीटा।
180 यहाँ खत्म हो गया है और 180 से आगे के जो भी कॉर्ड स्टार्ट होंगे वो यहाँ स्टार्ट होंगे और जितने भी 180 डिग्री से पहले थे और 90 डिग्री के बीच में थे वो इस चतुर्थांश में आएंगे, जिसकी वजह से हम लेके चलेंगे 180 डिग्री माइनस थीटा। चूंकि चतुर्थांश में हम शॉर्ट ट्रिक पढ़ के चलते हैं, स्टूडेंट स्टूडेंट का मतलब होता है केवल हम शुरू वाले इसको लेके चलेंगे, यानी एस एस का मतलब है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ साइन प्लस का होगा और सारे चाहे कॉस हो चाहे टेन हो वो दोनों आपके माइनस होंगे, कॉस भी माइनस और टेन भी माइनस। अब देखो हम लेके चलेंगे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, चूंकि 90 डिग्री है त्रिकोणमितीय अनुपात परिवर्तित हो जाएगा, साइन कॉस में चला जाएगा, चूंकि यहाँ पर एंगल थीटा है तो ये भी थीटा। मैंने आपको बताया था कि द्वितीय चतुर्थांश में साइन आपका प्लस होता है तो साइन का ये मान प्लस होगा। फिर नेक्स्ट चलेंगे कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री है त्रिकोणमितीय अनुपात, कॉस परिवर्तित हो जाएगा साइन में, थीटा है तो थीटा ऐसे का ऐसे ही, चूंकि इस वाले चतुर्थांश में कॉस जो होता है वो माइनस होता है तो इसलिए निशान माइनस का। टेन 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री आ रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात, टेन कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, यहाँ थीटा है तो थीटा, और यहाँ हम द्वितीय चतुर्थांश की बात कर रहे हैं तो उसमें टेन हमेशा माइनस होता है तो टेन हमेशा माइनस। ठीक इसी प्रकार से दूसरे हम लेके चलेंगे साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, चूंकि 180 डिग्री है त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई भी बदलाव नहीं होगा तो साइन ऐसे का ऐसे ही लिखा जाएगा, कोण थीटा है तो थीटा। मैंने आपको बताया था कि द्वितीय चतुर्थांश में साइन प्लस होता है तो ये वाला साइन प्लस होगा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 आ रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात परिवर्तित नहीं होगा, ऐसे का ऐसे ही रहेगा, कोण थीटा है थीटा रहेगा, चूंकि इस चतुर्थांश में कॉस माइनस होता है तो कॉस माइनस हो गया। नेक्स्ट हम लेके चलेंगे टेन 180 माइनस थीटा, 180 डिग्री पर त्रिकोणमितीय अनुपात परिवर्तित नहीं होता, टेन टेन रहेगा थीटा थीटा रहेगा, चूंकि इस चतुर्थांश में टेन माइनस होता है तो ये टेन माइनस होगा। अब हम तृतीय चतुर्थांश की तरफ चलते हैं, तृतीय चतुर्थांश में भी दो कोण आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आपका क्राइटेरिया रहेगा 180 डिग्री से 270 डिग्री तक, यानी 180 डिग्री से ज्यादा की तरफ हम जा रहे हैं तो 180 डिग्री प्लस थीटा, और 270 डिग्री से हम कम की तरफ जा रहे हैं क्योंकि ज्यादा जाएंगे तो हम चतुर्थांश की तरफ पहुंच जाएंगे, तो हमें बात करनी है तृतीय चतुर्थांश की, तो 270 डिग्री से माइनस कम आ रहा है तो हम लेके चलेंगे नेक्स्ट एंगल 270 डिग्री माइनस थीटा। इसमें जैसे कि शॉर्ट ट्रिक से पता चल रहा है टेक टेक में केवल हमें टी देखना है, टी किस त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित होता है, टेन से, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर टेन प्लस होगा और जो बचे साइन और कॉस वो दोनों माइनस में होंगे। अब हम पढ़ेंगे बेटा पहला साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री पर कोई चेंज नहीं होता त्रिकोणमितीय अनुपात में, साइन ऐसे का ऐसे ही रहेगा, चूंकि यहाँ थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा, और अभी आपको बताया मैंने कि साइन हमेशा इसमें माइनस होता है तो साइन का मान हमेशा माइनस। फिर ऐसे ही कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री है त्रिकोणमितीय अनुपात परिवर्तित नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, कोण थीटा है तो थीटा ही रहेगा, चूंकि कॉस इसमें भी माइनस होता है तो कॉस का मान इसमें भी माइनस लिखेंगे। फिर अगला हम चलते हैं टेन 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री की वजह से त्रिकोणमितीय अनुपात परिवर्तित नहीं होगा, टेन टेन रहेगा, कोण थीटा है तो थीटा ही रहेगा। अभी आपको बताया था कि इस चतुर्थांश में टेन का मान प्लस होता है तो टेन का मान हमने यहाँ लिखा है प्लस। अब नेक्स्ट एंगल की तरफ बढ़ते हैं साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, चूंकि 270 आ गया है तो पहले ही बता दिया गया था कि 90 डिग्री और 270 डिग्री पर त्रिकोणमितीय अनुपात परिवर्तित हो जाता है तो साइन परिवर्तित हो गया कॉस में, कोण थीटा था थीटा ही रहा, चूंकि इसमें साइन का मान माइनस होता है तो साइन का मान यहाँ भी माइनस। नेक्स्ट हम चलते हैं कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री की वजह से ये त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस परिवर्तित हो जाता है साइन में, कोण है आपका थीटा, थीटा ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और बताया गया था कि कॉस इसमें हमेशा माइनस होता है तो कॉस का मान इसमें भी माइनस। नेक्स्ट हम चलते हैं टेन 270 डिग्री माइनस थीटा की तरह, 270 डिग्री पर त्रिकोणमितीय अनुपात परिवर्तित हो जाएगा, टेन परिवर्तित हो गया कॉट में, कोण था थीटा, थीटा यहाँ लिख दिया, और मैंने आपको बताया था कि इस चतुर्थांश में टेन की वैल्यू प्लस होती है तो टेन की वैल्यू हमने लिखी है यहाँ पर प्लस। नेक्स्ट हम चलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश की तरफ, चतुर्थ चतुर्थांश में हमारे पास दो कोण आएंगे,
वही 270 डिग्री से ज्यादा तो जिसकी वजह से 270 डिग्री प्लस थीटा, और 360 डिग्री से कम यानी कि 360 डिग्री माइनस थीटा लिया है। इसमें शॉर्ट ट्रिक से पता चल रहा है कि फर्स्ट जो आपका है वो है आपका सी, सी कनेक्टेड होता है कॉस से, तो यानी कॉस प्लस होगा, साइन माइनस और टेन माइनस। हम लेके चलेंगे बेटा पहला वही कि साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 पर त्रिकोणमितीय अनुपात परिवर्तित हो जाएगा, साइन कॉस में परिवर्तित हो गया, कोण थीटा है तो ये थीटा ही रहेगा, और आपका अभी बताया गया था कि इसमें साइन का मान माइनस होता है तो माइनस। कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री की वजह से त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस बदल जाएगा साइन में, कोण थीटा है तो थीटा ही रहेगा, चूंकि इसमें कॉस का मान प्लस होता है तो कॉस का मान इसमें भी प्लस आएगा। टेन 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री की वजह से ये त्रिकोणमितीय अनुपात टेन परिवर्तित हो जाएगा कॉट में, एंगल आपका थीटा है थीटा ही रहेगा, टेन का मान माइनस रहता है तो टेन का मान माइनस। ठीक इसी प्रकार से साइन 360 डिग्री माइनस थीटा में, 360 डिग्री की वजह से त्रिकोणमितीय अनुपात परिवर्तित नहीं होगा, साइन साइन में रहेगा, एंगल थीटा है तो थीटा रहेगा, चूंकि साइन की वैल्यू माइनस होती है तो साइन की वैल्यू माइनस। कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 की वजह से त्रिकोणमितीय अनुपात परिवर्तित नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, एंगल थीटा है तो थीटा ही रहेगा, कॉस का मान इसमें प्लस होता है तो कॉस का मान इसमें भी प्लस। टेन 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री की वजह से त्रिकोणमितीय अनुपात परिवर्तित नहीं होगा, टेन टेन रहेगा, एंगल थीटा ही रहेगा, और आपका चूंकि इसमें टेन का मान माइनस होता है तो टेन का मान इसमें भी माइनस ही रहेगा। इसके अलावा आप ये ध्यान रखें।